थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स हम्म तो हम आज कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं और हृदय चक्र के बारे में हमने काफी कुछ सीख भी लिया होगा आई थिंक अगर हम रिकूप करें तो हमने बहुत सारे अनाहत चक्र के पीछे से जो फंक्शंस हैं जो ऑर्गेंस हमारे जो कनेक्टेड हैं जो हमारे ऑर्गेन्स कनेक्टेड आप याद करिए बैक में जाइए कि हृदय के साथ हमारे लंग्स हैं ना और हमारा थाइमस ग्लैंड है मी एंड नॉट मी का फंक्शन है कि तुम अपने मी के दायरे में किस किस को रखते हो तो जब आज हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करते करते हम ये देखेंगे कि आपने मी के दायरे में किस किस को रखा हुआ है तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप मी के दायरे में देखिए कि किस किस को रख सकते हैं वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट फोर फाइव और पूरी दुनिया आपको देखना है आपको डिसाइड करना है कि आप मी के दायरे में किसको रखते हैं मी एंड नॉट मी का जो बीच का डिफरेंस है वो हमें खत्म करना है अब हम अपने चारों तरफ की जो फील्ड है अगर हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पंच तत्व पंच तत्व जो पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है और आकाश है यह हमारे चारों तरफ है तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं इवन मेडिटेशन में भी तो क्या आपको कोई फ्रेग्रेंस आती है अगर फ्रेग्रेंस आती है या कभी आई है तो आप देखिए आपको कभी कोई फ्रेग्रेंस आती है या आपको जो आकाश गुण है उसमें जो उसका स्पेसिफिक है कि शब्द गुण है तो जो शब्द है क्या कोई वो आपको सुनाई देता है आप मेडिटेशन में या आपको गले में रस टपकता है जब आप आंख बंद करते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं दूसरों से कनेक्ट होते हैं तो ये पंच तत्वों का इम्पोर्टेंस है तो हम शुरू में ही आंखें बंद कर लेते हैं कुछ देर के लिए और अपने हृदय के ऊपर ऐसे हाथ रखिए आराम से सब बैठ जाइए और हो सके तो आप अपनी फोटो क्लिक करिए अपने विंडो को शट डाउन करके आराम से सामने फोन को लेके जाइए और आराम से एक फोटो क्लिक कर लीजिए जैसे भी बैठे हैं वैसे ही नॉर्मल वैसे तो आपने अभी मेडिटेशन किया है लेकिन फिर भी लेट अस सी एक दो तो फोटो क्लिक करके फिर उसको हम देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस आता है जब आप प्यार से भर जाते हैं तो क्या कोई डिफरेंस आता है बिफोर एंड आफ्टर के तो अपनी अपनी फोटो लीजिए आप और उसके बाद आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हृदय के ऊपर हाथ रख लीजिए आंखें बंद कर लीजिए और हृदय के ऊपर हाथ रखिए धड़कन को अपने अंतकरण से सुनने की कोशिश करिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने हृदय के ऊपर ऐसे दोनों हाथ रखिए आंखें नहीं खुलेंगी लगभग थ्री टू फोर मिनट्स तक और अपने हृदय की धड़कन को सुनिए क्योंकि हार्ट एक्सपेंशन है और आपको आप अपने मी के उस दायरे में शामिल करना है सबको तो अपनी सांसों को आने दीजिए जाने दीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग करिए हार्ट की हार्ट बीट सुनिए सांसों को आने दीजिए जाने दीजिए जैसे ही सांस अंदर जाए तो आपके चारों तरफ जो गंध तत्व है फ्रेग्रेंस है इस के बीच में वो ऑटोमेटिकली आप गंध तत्व को देखिए कि कोई किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस आ रही है या नहीं आ रही है आप आंखें बंद करके रखिए और आंखें बंद करके दो से तीन मिनट तक ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आपको आंखें नहीं खोलनी अपने हृदय के ऊपर हाथ रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते चले जाए और जब इनहेल करें तो ये एरोमा की प्रैक्टिस है जो इनकी स्टडी में बताने वाली हूँ तो आप जैसे जैसे इनहेल करें तो आप देखिए आपको कोई फ्रेगरेंस आ रही है कोई गंध आ रही है नहीं आ रही है सिर्फ आज हम फ्रेगरेंस के ऊपर फोकस करेंगे तो मैं एक म्यूजिक चलाऊंगी आप आंखें बंद रखिए सिर्फ वन और टू मिनट वो म्यूजिक चलेगा और अपने फ्रेगरेंस के साथ साथ जिस जिसको भी आप उस अपने दायरे में रखना चाहते हैं उसको दायरे में आने दीजिए अस सी कि आप किस किस को दायरे में अपने में रखना चाहते हैं मैं तो म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ जस्ट आप अपनी आंखें बंद करके और उस म्यूजिक को सुनते सुनते सिर्फ उस अवेयरनेस में कि ब्रीद इन ब्रीद आउट और उस मी के दायरे में आप किसको रख रहे हैं और किसको नहीं रख रहे हैं वो भी देख लीजिए आप काउंट करना है कि किसको आप मी में रख रहे हैं और किसको मी में नहीं रख रहे हैं जो मी में रख रहे हैं उसको काउंट करें और फ्रेग्रेंस को लेते रहिए आपके चारों तरफ एक डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस है जो आपकी ही और की है थोड़ी सी और डीप ब्रीदिंग करिए कुछ सेकेंड डीप ब्रीदिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट डीप ब्रीदिंग करिए आंखें नहीं खोलनी अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि मैंने किस किस को शामिल किया और किस किस को शामिल नहीं किया ऑब्जर्व करते रहिए अपनी हार्ट बीट और जिसको शामिल नहीं किया उसमें से वन और टू परसेंट को शामिल करिए अंदर ही अंदर आंखें बंद रखिए जिसको आप शामिल नहीं करना चाहते आज उसको शामिल करके देखिए वन पर्सन ऐसा जिसको आप शामिल नहीं करना चाहते और शामिल करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है आप अंदर ही अंदर आपकी धड़कन बढ़ रही है इम्बेलेंस हो रही है या आप एक्सपेंडेड फील कर रहे हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा जो भी आपकी फीलिंग है ऐसा पर्सन जिसको आपने अपनी मी के एरिया से बाहर निकाल दिया अब कुछ फ्लावर्स हैं उनको भी अपनी मी के इस दायरे में अंदर लेकर आइए कुछ फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर इनहेल करिए एक्सहेल करिए करिएप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं इनहेल एक्सहेल आप कुछ ट्रीज को भी शामिल कर लीजिए कुछ एनिमल्स को भी शामिल करिए बर्ड्स को भी शामिल करें और प्यार से उन सब को मैसेज कि आज मैंने अपने हार्ट को हार्ट के दरवाजे खोल दिए हैं आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ आप कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आप देखिए कि जब आप बाहर से किसी को भीतर बुलाते हो तो कैसा लगता है या आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस है क्योंकि विशुद्ध प्रेम में हम सिर्फ और सिर्फ हमें दूसरों को देना है और कुछ भी नहीं सबको शामिल कर सकते हैं अब आराम से अपनी सांसों के ऊपर आते हुए धीरे से आंखें खोलिए और एक पिक ले लीजिए थैंक यू तो ये एक एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज अभी तो यहाँ पर तो हमने थोड़ा सा जल्दी किया है बट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जो आपके चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है अगर कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी पावर्स जो एनर्जीज छुपी हुई है वो आपके चारों तरफ है और जब आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो इनहेलेशन से क्या होता है कि आपका हार्ट एक्सपैंड लंग्स का बैलेंस बनता है लंग्स के साथ उनका रिदमिक पैटर्न सेट होता है ये विदाउट एनी एक्सरसाइज के है कि जब आप आंख बंद करके बैठेंगे और हार्ट के ऊपर अपने हाथ रख के और जो जो आपके मी के दायरे में नहीं है पहले उसको अलग रखिए और जो मी के दायरे में पहले उनको अंदर ले आइए और अंदर लाके देखिए कि आपकी फीलिंग कैसी है उसके बाद जो मी के दायरे में नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मेड फॉर एग्जाम्पल मेरा पियन फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मेरा डॉग मुझे पसंद नहीं एक डॉग पसंद एक पसंद नहीं है तो अब आप उसको अपने उस, अपने उस उस और मी के दायरे में जब आप रखेंगे तब कि आपको कैसा महसूस होता एक तो ये है इसके साथ जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कुछ जो पंच तत्व हैं, जो हमारे फाइव एलिमेंट्स हैं उनका जो सूक्ष्मता है वो बढ़ जाती है और बढ़ जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब आप डीप मेडिटेशन में होते हो या आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो जो अरोमा थेरेपेटिक्स से, आज मैं वो जो केस स्टडी आपको बताने वाली हूँ तो जब आप इनहेल करते हो तो इसी कॉन्शियसनेस के अंदर से कुछ पर्टिकुलरली कुछ एनर्जीज जो फ्रेगरेंस से रिलेटेड हैं वो आपके अंदर जाती हैं और हमने पहले या दूसरे एपिसोड में ये बात की थी कि अगर नोज के जरिए आप ऑल्फेक्ट्री नर्व अगर आपको तो याद आए कि ऑल्फेक्ट्री नर्व के जरिए आप बहुत बहुत अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो जैसे नोज में हमने ऑयल अप्लाई करने के लिए बताया ग्रीवा चक्र बताया सेम इसी तरीके से जब आप हार्ट के ऊपर हाथ रखे और इन्हेलेशन करते हैं एक्सहेलेशन करते हैं तो आपके चारों तरफ एक फ्रेग्रेंस डेवलप होती है पर्टिकुलरली एक फ्रेग्रेंस डेवलप हो जाएगी और वो आपका जो प्राइमरी फोर्स है जो एस्ट्रल पार्ट है उस एस्ट्रल पार्ट को खत्म करने में जो हमारा थॉट thought, थॉट्स वाला और फीलिंग्स वाला पार्ट है उसको खत्म करने में वो हेल्प करती है अब वो कैसे करती है वो आगे केस स्टडी ओके तो ये प्रैक्टिस है लगभग आप फिफ्टीन मिनट तक इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं इनहेल एक्सेल जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग में एक बार एक सेचुरेशन आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे एक सेचुरेशन आ जाएगा कि तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे हमारे इमोशंस जो है वो दबे हुए होते हैं और जब इमोशंस जो हमारे सप्रेस्ड होते हैं रिप्रेस्ड होते हैं और ये जो इमोशंस से धीरे धीरे बाहर आते हैं रोना भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी बाद में एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी पर ये डेली की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये वंडरफुल प्रैक्टिस है आपको ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ एक फ्रेग्रेंस डेवलप होगी अगर आप इसको करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ऑलफेक्ट्री नर्व आपकी डिफरेंट टाइप की डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगी एक नर्व हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि प्रतिमर्श नस््य बोलते हैं प्रतिमर्श का मतलब होता है कि जो रोज मॉर्निंग में नाक साफ करने के बाद अगर ऑयल अप्लाई करता है तो उसके अपने आप ही ये जो हम आई शेडो लगाते हैं ना आई शेडो लगाते हैं और चारों तरफ एक शाइनिंग होती है वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास सही एक साल के बाद फ्रेग्रेंस डेवलप हो जाती है क्योंकि ऑल्फेक्ट्री जो नर्व है वो स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी पैटर्न्स को डेवलप करती है अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं करना आराम से बैठेंगे आंख बंद करेंगे और पहले मी और मी नॉट जो नहीं है उसको अलग कर दीजिए जो मी में आता है जिससे भी आप बेहद प्यार करते हैं आप उनको रख के अपने हार्ट की एक्सपेंशन पहले स्टार्ट करेंगे फिर जो नहीं आता है उसमें वन बाय वन ये एक प्रैक्टिस है पहले एक पर्सन को अंदर करिए या जिससे भी आप चाहते हैं कि मैं इसको एंटर करना चाहता हूँ मैं इसको अपने दिल में जगह देना चाहता हूँ तो ये एक फॉरगिवनेस का भी पार्ट आता है इसमें कि जैसे मान लो कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेम्बर है जिसको आप मी के उस दायरे में नहीं रखना चाहते और अब आपने जब प्रैक्टिस शुरू की तो आप उसको उसके दायरे में रखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरगिवनेस है फॉरगिवनेस का मतलब जानते हैं आप क्या होता है फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि जैसे एक सीढ़ी पे आप खड़े हुए हैं अटके हुए हैं तो आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर आपकी ही सोल का इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है वो फॉरगिवनेस होता है आपकी आत्मा के साथ आपका ही इवोल्यूशन होना एक आत्मा एक ऐसे स्तर पे है जहां वो पहली सीढ़ी पर है जिसमें मैंने उस बाहर वाले व्यक्ति को बाहर ही रखा हुआ था लेकिन जैसे आप सेकंड सीढ़ी पे जाएंगे तो आपने उसको माफ माफ करना वो सेपरेट चीज है लेकिन आप जब और उसको अपने दायरे में जब लाते हैं तो आपकी ही सोल का इवोल्यूशन हो वो है फॉरगिवनेस की वो फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि अब मैं उस उच्च स्थिति में आ चुका हूँ जहाँ पर वो भी मेरे उस मी के दायरे में शामिल है ये उच्च स्थिति है उसके लेवल पे क्या हो रहा है वो हमारा काम नहीं है हमारे लेवल पे हमारा जो सोल इवोल्यूशन है या हम उसको अपने मी के दायरे में रखते हैं तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप सेकंड सेकंड टू थर्ड थर्ड टू फोर्थ ये स्टेप्स होते हैं हमारे फॉरगिवनेस के कि मतलब कि हमारा सोल इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है हम दो लोगों के साथ साथ हम तीसरे लोग को भी अपने भीतर शामिल करें चौथे को भी करें पांचवें को भी करें और फिर एनिमल्स को भी करने लगे हैं ट्रीज की भी केयर करने लगे हैं हम अपने उस हार्ट के एक्सपेंशन को बढ़ा रहे हैं हार्ट एक्सपेंशन का मतलब आप समझिए सिर्फ हार्ट से मतलब नहीं है जो ऑर्गेन्स मैंने बताए थे कि हमारा थाइमस ग्लैंड लंग्स ये सब एक दायरे में इकट्ठा रिथ्मिकली काम करता है और साथ में हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है जिससे हमारे अंदर जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं और सिंपल सी प्रैक्टिस अगर आप रोज करेंगे तो ये आपके हार्ट एक्सपेंशन या हार्ट चक्रा एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छे कुछ एक्सरसाइजेस ऑन एक्स मैं बताने वाली हूँ तो इसके ऊपर मैंने इसलिए फोकस किया स्टार्टिंग में क्योंकि ये एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है और जब प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स होती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फ्रेग्रेंस आने लगती है तो ये मेडिटेशन के दौरान भी ऑटोमेटिकली फ्रेग्रेंस आती है क्योंकि आपके चारों तरफ वो इस तरह का डायमेंशंस uh, कुछ खुलने लगती हैं जिससे कि हमें कुछ कुछ फ्रेगरेंस आती है जो पर्टिकुलरली किसी किसी मास्टर की होती है जैसे स्वामी विवेकानंद जी की गुरु नानक जी की ये पर्टिकुलरली सत्य साई बाबा की ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जिससे आप अपने चारों तरफ उन उस गॉड का प्रेजेंस आप फील कर सकते हो ना तो इसी तरह कुछ साउंड्स हैं तो आ, कुछ आँखों से आपको दिखाई देता है आपकी जो अं, अंतर चक्षु है वो एक्टिवेट हो जाता है कुछ देर के लिए होता है तो हम कभी नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है हम ग्लैंड के ऊपर बात करें वो देखेंगे आ, तो ये प्रैक्टिस हो गई आई थिंक तो अब हम आगे चलते हैं कुछ आ, अपनी कुछ प्रैक्टिसेस बताएंगे और उसके साथ एक दो स्लाइड और है कि हमारा जब हम इस तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं तो हार्ट हमारा एट्टी परसेंट जो हमारी आ, जो थॉट प्रोसेस चलता है जो हमारी फीलिंग्स होते हैं उसी को ट्रांसफर करता है सपोज कोई व्यक्ति आ गया प्रैक्टिकली अगर हम देखें और हमने कई बार एपिसोड में हम ये चर्चा करते हैं कि हमें पसंद नहीं आया लेकिन हम धक्के से बैठे हैं तो ब्रेन कुछ कुछ एक्टिवेट हो जाएगा दिल नहीं है तो दिल एक इंफॉर्मेशन यहाँ से हार्ट से भेज रहा है क्यों क्योंकि हमने हार्ट की जब थ्योरी समझी थी तो हमें ये पता है कि हार्ट जो है वो आ, मन का भी स्थान है और आत्मा का भी स्थान है ये आपको बताया था तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ऊपर भेजता है और ब्रेन अनकम्फर्टेबल हो जाता है ब्रेन का जो हार्ट और ब्रेन का जो गवरेंस है वो डिस्टर्ब होने लगता है इम्बैलेंस होने लगता है कहीं फ्रस्ट्रेशन आने लगते है। दिखाते नहीं हम लेकिन फ्रस्ट्रेशन आने लगते है। तो फिर क्या करें कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए जो रियल हमारी टीचिंग है वो हमारी यही होनी चाहिए कि हम सबके सामने जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रहे हम एक ट्रांसपेरेंट कॉस्मिक डिवाइन बीइंग बन के रहें और यही हमारी जीत है यही जीत है क्योंकि अगर हम सुपरफिशियली उस अटम्बर में अगर अटके हुए हैं तो फिर हमारा हार्ट एक्सपेंशन या हार्ट और ब्रेन को इस लाइफ में नहीं हो सकता तो ये इतना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है ना आपने स्टोरी जो पढ़ी है आपने देखा है कि मतलब बहुत स्लो चलिए मत भागिए मत भागिए प्लीज मत भागिए बहुत स्लो चलिए एक एक जो क्षण है उसको बहुत अच्छे तरीके से निकालिए आपको एक क्षण इतना बड़ा क्षण है वो कि आप उस इतने बड़े क्षण के ऊपर आपको काम करना है और वो अगर आपका हृदय चक्र ओपन है तब आप काम कर सकते हैं अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन करिए हार्ट चक्र की प्रैक्टिसेस करिए और जो भी आपको अच्छा लगता है म्यूजिक सुनिए जो भी आपको अच्छा लगता है आपको अपनी पसंद पता होनी चाहिए और ये जो अडम्बर है ये जो आवरण है ये कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस चमकेगी नहीं। तो है, आत्मा तो है चेतना तो है अंदर लेकिन वो चमक नहीं रही है इसलिए नहीं चमक रही क्योंकि हमने इतने सारे उसके ऊपर कवरिंग्स डाली हुई है ये भी कवरिंग वो भी कवरिंग दुनिया नाराज हो जाएगी वो बुरा मान जाएगा वो ये हो जाएगा वो उसके पक्ष पे है आप समझने की कोशिश करें आप समझिए कि ये उसके पार्ट पे है आपका जब हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं तो आज ही हम बात कर रहे थे कि जैसे का साइन होता है साइन होता तो ये मेरा दायरा है ये मेरा दायरा है मुझे डिसाइड करना मुझे मेरी चॉइस है दूसरे की चॉइस दूसरे की है उसको रहने दो उसके अकॉर्डिंग जाने के बजाय आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ आएगा जैसे मान लो मैं अपने ऑफिस की ही बात करती हूँ कि ऑफिस में हमारे आजकल इतना रश चल रहा है तो मेरे पास से एक चार्ज ले लिया ठीक है अब एक चार्ज ले लिया तो आप सोचो कि मेरे पास से एक अगर चार्ज किसी और के पास जाता है तो मेरे को कैसी फीलिंग आएगी ठीक है और वो मेरे पास आते हैं तो मेरे को लगेगा कि यार इसको इस, मेरे से चार्ज लिया मैं इसको क्यों चाय पिलाऊं मेरा मतलब क्या है उसने तो मेरे को धोखा दिया है या मेरे को जबरदस्ती मेरे से चार्ज ले लिया जबकि मैं तो कॉम्पिटेंट थी मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक समझाने के तौर पर अब वो मेरे पास आया और मैं उसके साथ बिल्कुल उस क्षण मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल अनबायस्ड हूं और मैं उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रही हूँ ये मेरा रियल नेचर है कॉन्शियसनेस का ये नेचर है ये हार्ड चक्र का नेचर है और अगर मैं उस सीट के चिपक जाऊं मैं उसको पकड़ के बैठी रहूं क्योंकि मेरे पास अगर वो चार्ज है फोर फाइव ईयर से और अगर किसी ने ले लिया है तो वो अगर मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ इंटरनली बाहर तो मैं दिखा रही हूँ कि ओके ठीक है चार्ज ले लिया लेकिन अगर मेरे पास वही लोग आते हैं और वही लोग मेरे को चिढ़ाने के लिए भी आ सकते हैं मेरे, मेरे को टेस्ट करने के लिए भी आ सकते हैं लेकिन अगर वही लोग आ रहे हैं और मैं उन चीजों से लर्न कर रही हूँ एकदम से इंसान नहीं चेंज होता लर्निंग है ये लर्निंग आप अपना आवरण कैसे हटाओगे ये क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा है जिस वक्त ये सिचुएशन आती है सबके साथ तो ये सिचुएशन एक बहुत बड़ा क्षण है जिसमें मेरे को एक मौका मिला है सीखने का टू बी पेशेंट टू बी अनबायस्ड ना टू बी ट्रू और अगर मैं इसी बात को लेके मैं उसमें अंदर कुछ न कुछ मीन मेक निकालू मैं उनको पानी ना पिलाऊं मैं उनको चाय ना पिलाऊं तो आप देखोगी अ ये क्या है मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रही हूँ मैं किताबें भी पढ़ रही हूँ बहुत कुछ कर रही हूँ बट मेरी नॉर्मल लाइफ में अगर ये टेस्ट आ गया उन किताबों का या उस मेडिटेशन का या हार्ड चक्र थ्योरी तो पढ़ा दी लेकिन अब प्रैक्टिकल मेरे सामने आया तो मैं तिलमिला गई तो अगर मैं तिल मिला गई तो किसका फॉल्ट है मैं क्योंकि मैं वो लर्निंग नहीं सीख रही हूँ तो अगर मेरी लर्निंग नहीं है तो फिर कोई नहीं सिखा सकता मुझे है ना तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने तो अपनी उस कॉन्शियस चमकती हुई चीज के ऊपर से आवरण हटाने हैं अगर वो आवरण नहीं हटेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे और गीता में जो पत्री जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसके शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में लिखा है कि एक लाइफ टाइम में अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम पॉइंट जीरो 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 वन मिलीमीटर चेंज होते हैं एक लाइफ टाइम में इसीलिए हमें कितने कितने जन्म लगते हैं अपनी ही उस संपूर्णता को विकसित करने के लिए तो हमें रश नहीं करना हमें भागना नहीं हमें सीखना है ठीक है अब हम कुछ स्लाइड के जरिए आगे चलते हैं और वो स्लाइड देखने के बाद फिर उसी के साथ हमारी स्टडी है उसके बारे में बताओ ओके okay? तो ये एक फ्लावर है आप बहुत ध्यान से देख लीजिए हम सब इस फ्लावर को बड़े ध्यान से देखेंगे मैंने स्पेसिफिकली ये फ्लावर लगाया है और इसका लगाने का एक पर्पज है इसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो ये एक प्लार है आ, वो कहते हैं ना आ, अपने ही मियाँ मुंह मिठू होना मतलब अपनी ही बड़ाई करते रहना एक वर्ड है बड़ा फेमस तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो नार्सिस है जो जो ऐसे लोग अपना ही जो रिफ्लेक्शन देखते हैं अब ये हमारी सबकी कहानी बताई गई है इसमें

इतना मटेरियलिज्म या जिस भी चीज में हम इन्वॉल्व हैं जिस भी चीज में हम चले गए ईगो में चले गए कहीं पे जिद में अड़ गए कहीं पे हम कुछ गलतियां करते हैं इंटेंगल्ड होते हैं तो ये जो हमारी खुद की जो हम ट्रैप होते हैं उससे निकलने के लिए हमारे पास एक साधन है वो है हार्ड चक्र प्रैक्टिस रीजन रीजन वही जो पिछली बार बताया था कि हमारे तीन चक्रास ऊपर हैं जिसमें ज्ञान डेवलप होता है बोलने की शक्ति डेवलप होती है और नीचे का हमारा ईगो डेवलप होता है फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप ये सब चीजें डेवलप होती है और तीनों का नीचे से और ऊपर से ये एक कॉम्बिनेशन है ये ये आपस में कनेक्ट होता है जैसे कोई बात होगी सबसे पहले आपका हृदय है क्योंकि यहाँ पे मन और आत्मा का स्थान है इसलिए सारे इंफॉर्मेशन ऊपर और नीचे जो सर्कुलेटरी प्रोसेस है उससे वो ट्रांसफर करता है अब बार बार हमें ये अपने आप को गाइड करना है कि हम अपने ही ट्रैप में ना फंसे अपने ही ट्रैप में ना फंसे, अपनी ही ऐसी छाया बनाए जो सिर्फ एक लाइट बिंग की तरह चमकती हुई छाया ना कि एक भारी भरकम जब और देखते हैं तो ब्लैक निकलती है ग्रे निकलती है हमने पीछे की जो एपिसोड थे उसमें बोला कि कहीं वो रेड है कहीं वो डार्क ब्राउन है क्यों क्योंकि हम अपने ट्रैप में है वो जो एस्ट्रल लेयर है हम उसी में ट्रैप्ड हैं तो हम है कहा हम जहा खड़े हैं वहां पर आप देखिए कि ये एक पिक्चर मैंने ली कि हमारा जो प्रोजेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली हमारा मेटीरियल मैन का है लेकिन ही आप आंखें बंद करें ना आप ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आंख बंद करके देखिए कि मैं एक डिवाइन स्पार्क हूँ मतलब सिंपल ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई कि आपको शायद ये बात हम सबको ये बात समझ आए कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ मैं वो हूँ जो मैं उससे पीछे एक है जहां पे हमारे उससे भी पीछे बैकग्राउंड में जो हमें हेल्प करता है जो हायर कॉन्शियसनेस है वो जो हेल्प करता है वो हमें पावर दे रहा है बैक साइड से कि आई एम ए डिवाइन स्पार्क जैसे आ, सागर की एक बूंद है हम सेम इसी तरीके से आप समझिए कि हमारी एनर्जी जो बॉडी है वो बैक साइड में है और हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वी आर जस्ट एक मटेरियल या एक मशीन है बस और कुछ भी नहीं है तो ये डेली जब आप प्रैक्टिस करें आंख बंद करें अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें और इनहेल एक्सेल करें तो इनहेल एक्सेल डीप अपने आप आपको डीप ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आपके अंदर के जो इमोशन वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेंगे और आप अपने मी के दायरे में रखते जाइए कि मैंने इसको रख लिया इसको रख लिया शायद एक आएगा दो आएगा मी मी में ज्यादा नहीं आते लेकिन जैसे जैसे आपका हार्ट एक्सपेंशन होगा ऑटोमेटिकली आपको जब ये पता लगेगा कि एक डिवाइन स्पार्क है और जब ये पता लगेगा कि मेरा हृदय चक्र ओपन हो रहा है लेकिन ये डेली की प्रैक्टिस है देखो ये ना पढ़ाई की बात नहीं है सॉरी टू से क्योंकि हर रोज हमारे पास इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं जिसमें हम फेल हो रहे हैं तो ये इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल टेस्ट हैं जो हमारी क्योंकि लोग बोलते हैं सिंपल बोलते हैं आप देखो ये कहेंगे इतना मेडिटेशन करता है फिर भी इसको फिर भी ऐसा है क्यों मेडिटेशन की बुराई नहीं है हम मेडिटेशन करने के बाद जो प्रैक्टिकली चीजों को हमें सीखना चाहिए उसमें हम थोड़ा सा डिले कर हम डिले प्रोसेस में हैं डिले कर रहे हैं तो और हम अगर मेडिटेशन करें उस इवन देन अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर हम भगवान नहीं बन सकते हम हम गॉड नहीं बन सकते गॉड मतलब प्योर कॉन्शियस कॉन्शियसनेस नॉट प्योर कॉन्शियसनेस ओनली कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस हमेशा ही प्योर है तो हम कॉन्शियसनेस तभी है जब हमारे ऊपर से जब हम किसी को सामने वही स्पार्क देखते हैं जो मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है तो ये प्रैक्टिस आपको बस आंख बंद करके जब आपने हाथ रखा हृदय के ऊपर और आपने अपने मी के दायरे में आप प्रैक्टिस करो कर नहीं भी आता कोई बात नहीं आपको नहीं अच्छा लगता तो कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कर लो चलो भाई मैंने उसको डाल लिया अपने अंदर आप सारी दुनिया जहान के एनिमल किंगडम को डाल सकते हो प्लांट किंगडम को डाल सकते हो उनको विशुद्ध प्रेम भेज सकते हो कि मैंने तुमको दिया जाओ जाओ तुम मैं अपने अंदर से आपको ये गाइडेंस देनी इससे क्या होगा कि आपका जो चारों तरफ का जो ये थैमस ग्लैंड है जो हमने थ्योरी बोली बताई थी दो एपिसोड में वो जो ये थाइमस ग्लैंड है और जो लंग्स हैं और जो हार्ट है उनका बैलेंस बनता है ये मैं हर बार दिखाती हूँ इस पिक्चर को और इस पिक्चर को दिखाने का मतलब सिंपल इतना है जैसे मैंने अभी ये प्रैक्टिस आपको कराई अरोमा ऑफ एफर इनहेलिंग ए सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये मैं इसलिए लिखा है कि एक बार आप जब फिर से देखेंगे तो आपको एक याद आएगी कि मेरे चारों तरफ जो आपने जैसे इनहेल किया तो आपका ही थॉट प्रोसेस आपकी फीलिंग आपके इमोशंस अंदर जाएंगे सबसे पहले और उसके बाद जब वो चक्र ऐसे चलेगा तब आपको पता लगेगा कि मेरे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल है आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपस में इकट्ठे चलते हैं तो जैसे जैसे आप करेंगे आपको अपने आप समझ आएगा आपने डीप इनहेल किया आपकी नेवल एरिया एक्सपैंड हो गया और उसके बाद आपने जैसे ही सांस को छोड़ा आपका नेवल एरिया अंदर चला गया तो अब हम और आगे चलते हैं एक दो और एक ये अभी जो रिसेंटली जो हमारी रिसर्चेज हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप एक इंक्रीज जो रेड एरिया है एक ब्रेन में दिखा दिखाई दे रहा है इंक्रीज एक्टिविटी इन आप देख रहे हैं कि फ्लाइट है फाइट है फ्रीज है जो पिछले एपिसोड में भी उससे पिछले एपिसोड में भी मैं बता चुकी हूँ कि जब आप किसी के प्रति फ्रीज हो जाते हैं यार मेरे को नहीं बात करनी छोड़ो उससे तो ठीक है आपका एक पर्टिकुलर पार्ट part है जो नेक्स्ट लाइफ में शायद ओपन हो तो ये फ्रीजिंग है। एक है फ्लाइट है फाइट है ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं जब किसी के साथ बात हो गई झगड़ा हो गया तो भाग जाओगे या लड़ाई लोगे और उसके साथ एक फीडिंग भी वर्ड होता है फीडिंग होता है कि आप किसी को पेम्पर करते रहते हो कि अरे ऐसा कर लो अरे ऐसा कर कर लो ऐसा कर लो तो ये पेम्परिंग भी अच्छी चीज नहीं है एक वर्ड और भी है एफ किंग है कि आप पॉजिशिव होते हो किसी के प्रति जैसे मान लो कि अगर मैं अपने ऑफिस में काम करती हूँ तो मैं पोजिस्व होना चाहती हूँ कि मेरे बगैर तूने ऐसा किया कैसे तो ये पॉजिटिवनेस भी आपकी जो इमेडिला की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए अब ये साइंस है इसको कोई बदल नहीं सकता इसको कोई नहीं बदलेगा क्योंकि साइंस तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लोअर ब्रेन है जो मिड ब्रेन है मिड ब्रेन में मेडला है अगर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज है तो आप देखो नीचे का जो रिदम है हार्ट के साथ तो हार्ट कोहरेंस नहीं हो पाता वो रेड कलर की जो नीचे की जहां पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ आप ये देखिए कि ये किस तरीके से रैंडमली कितना रफ अपना ग्राफ बना रहा है और फ्रीज क्या है कि बिल्कुल ही मुंह बंद कर लेना किसी से इतना नाराज होना अपनी फैमिली मेंबर से किसी से भी कि इतना मुंह बना लेना कि बात ही मत करना तो हार्ट श्रिंक होने लगता है बिल्कुल वो ओहरें से दूर चला जाएगा और इस तरफ अगर आप देखते हैं कि डिक्रीज एक्टिविटी इनिकिला तो आप देखो कि इंक्रीज एक्टिविटी इन कॉर्टेक्स तो जो ये कॉर्टेक्स वाला हमारा एरिया न्यू कॉर्टेक्स इसमें आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं जैसे ही आपने इनहेल किया हमने फर्स्ट टू थ्री एपिसोड में आपको ये बताया कि जैसे ही आप इनहेल करेंगे आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपका एक्सपेंशन ऑफ दैट ब्रेन एंड हार्ट ऑटोमेटिकली रिदम में आ जाएगा एक्सपेंशन होने लगेगा अब ये तो साइंस है लेकिन अब इसकी तो प्रैक्टिस आपको अपने घर में करनी है प्रैक्टिस आपको बाजार में करनी है प्रैक्टिस आपको अपनी सोसाइटी में करनी है ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिस के बगैर नहीं ये हो सकता तो आपको हर पल ये जरूर अवेयरनेस में हो कि अब मेरा तो भाई ये कॉर्टेक्स है ये आयर ब्रेन है जो हमने बताया था कि एनिमल में ये नहीं होता इवन देन दे आर सो लविंग ये डेवलप नहीं होता इंक्रीज एक्टिविटी इन कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स उनका डेवलप नहीं होता क्यों और उसके इवन देन की वो इतना प्यार करते इवन देन उनके पास कितना प्यार है क्योंकि उनकी जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ वाइटल बॉडी बहुत अच्छी डेवलप होती है ओके okay? तो उनका वैसे लोअर माइंड होता है एनिमल्स का लेकिन हमारे पास तो हायर ब्रेन है तो इसीलिए आप ये पिक्चर अपने फोन में चाहे डाल के रख लें ये आपकी जो पिक्चर है ये आपको आ, थोड़ा सा एक्सपेंशन देगी यार मेरी एक्टिविटी इस मिडिला में नहीं होना चाहिए और इधर होना चाहिए मेरी न्यो में होना चाहिए एक चीज और बड़ी खास है कि जैसे आप बता रहे थे ना उसम ये जो ग्रेग ब्रेडन है उन्होंने एक दिन एक रिसर्च बताई कि ना जो ये हमारी आ, जो वेव्स होती हैं जैसे डेल्टा वेव है गामा वेव है बीटा वेव है ना तो पहले बीटा होती है वो बहुत फास्ट होती है फिर अल्फा होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है उसके बाद फिर डेल्टा होती है वो और स्लो हो जाती है तो एक गामा वेव्स होती है जो आपके दोनों जहाँ पे ये रेड एरिया है और ग्रीन एरिया है, दोनों का कोहरेंस होता है ये भी बहुत कमाल की बात है तो ये कोहरेंस जब है जब वेन यू आर न्यूट्रल तो मोक्स के ऊपर ये रिसर्च uh, हुई कि मॉक्स हमेशा एक न्यूट्रल पॉइंट uh, पे ही होते हैं तो इसीलिए उनका जो ब्रेन के फंक्शंस हैं चाहे वो मिड ब्रेन के हायर ब्रेन दीज फंक्शन आर वन तो ये हमें एक प्रैक्टिस करनी है आप इसको नीचे वाली स्लाइड को आप आराम से जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि जब हम इमोशनल होते हैं तब कैसा हमारा ब्रेन और हार्ट काम करता है और जब हम एक बैलेंस्ड वे में काम करते हैं ये प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है और हर पल आपके पास एक टेस्ट आने वाला है तो इस टेस्ट में पास होना है तो हमें ये चीजें समझनी है ओके okay? तो ये भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक एपरेटस होता है और ये अपरेटस मेरे पास है और इसका सॉफ्टवेयर अभी वो दूसरा लैपटॉप था तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या होता है यहाँ पे क्लचेस लगाते हैं और वो एक जैसे हम नाड़ी देखते हैं ऐसे ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दिखाता है अब अगर हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं तो ये हमारा जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंस्ट्रूमेंट है जो सॉफ्टवेयर है ये क्या दिखाता है कि जैसे ही मेरा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आई मेरे चक्रास की भी इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है मेरा एक चक्र इधर चला जाएगा एक चक्र इधर चला जाएगा और आप देखो कि अगर है तो वो अलाइनमेंट में लेकिन जैसी अलाइनमेंट हिली तो, तो ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे जैसे ही होगा तो आप देखो एनर्जी पैटर्न कैसा हो गया तो आपके एक ऑर्गेन को अगर ये राइट में है तो आपके लिवर को इफेक्ट करेगा अगर इधर है तो आपकी हो सकता है किडनी को इफेक्ट करे तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमने काफी सारे बच्चों के ऊपर और काफी सारे पेशेंट के ऊपर करके देखी और देखने के बाद ये पता लगा कि इवन की डी एडिक्शन सेंटर में भी मैं गई और वहाँ पे हमने ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखी तो वहाँ पे एक पर्सन को देखा मैंने बहुत यंग था वो और यहीं पे करनाल सिविल हॉस्पिटल में तो वो एडिक्टेड था कुछ मेडिसिन से तो जैसे ही हम उसको ना बता रहे थे काउंसलिंग कर रहे थे तो काउंसलिंग करते करते उसने खिड़की से देखा कि उसकी माँ आ रही है तो जैसे ही उसकी माँ को उसने देखा तो उसको उसने उठ के एकदम से और दरवाजा बंद कर दिया कि मेरे को माँ से ना रोटी चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमने प्यार से पूछा कि भाई तेरे को क्या चाहिए उसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए मैं अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती रीजन क्या है कि हम आपस में एक दूसरे से जब रिलेशन में इतने दूर हो गए हैं इतने दूर हो गए हैं कि वो अपनी माँ की शक्ल इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि क्यों माँ और जो उसकी फैमिली वाले हैं वो जब एडिक्शन था तो धक्के से उसको डीएडिक्शन सेंटर में छोड़ गए डीएडिक्शन सेंटर इलाज नहीं है मैंने दो साल जींत में थे हम लोग तो मैंने काम किया डीपली काम किया तो मिसिंग ऑफ लव मिसिंग या रिलेशनशिप अच्छा ना होना ये बहुत बड़ा एक मैटर है और इनमें हम लोग ही जो सीख रहे हैं वो ही मदद कर सकते हैं एक आम जो लोग हैं वो मदद नहीं कर सकते इसीलिए मेडिटेशन या पत्री जी हमेशा ये कहते थे कि तुम एक साधारण इंसान से एक योगी बनो एक योगी जो है वो समझ सकता है इन बातों को एक एक मेडिटेटर इस बात को समझ सकता है एक स्वाध्याय करने वाला इस बात को समझ सकता है और ये हमें इम्प्रूव करना है ओके okay. चलो अब हम आ, ये भी एक पिक्चर है ये जो मैंने अभी गामा वाला बात बताया कि जो है आप देख रहे हैं ये एरिया जहाँ पे कर्सर है तो ये थैलेमस का एरिया होता है ये सिंक्रोनिसिटी सिखाता है विद द कॉर्टिकल इसी को पिरामिडल ट्रैक्ट बोला है जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गई अः में गई और वहां पर मैंने लेक्चर सुना उनका जो डॉक्टर थे जो पिरामिड से रिलेटेड थे डॉक्टर ओस्माना गिच आई थिंक वो थे तो मेरे को ये लगा कि जो पिरामिड्स होते हैं वो हमारे आ, ब्रेन में भी पिरामिडल ट्रैक्ट है तो ये पिरामिडल ट्रैक्ट है आप देखिए ऊपर जो कॉर्टेक्स लिखा है थिंकिंग ब्रेन है और जो थैलेमस है वो सिंक्रोनिटी करता है विद द कॉर्टिकल एक्टिविटीज तो आप देख रहे हैं पिरामिड शेप आपको एक ऐसे पिरामिड शेप दिखाई देगा इस तरीके से नीचे से जो है सारी इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी तो ये और 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 थैलेमस कॉर्टेक्स मेडुला आपस में मिलके एक डेवलप करते हैं तो दोनों तरफ देखिए कि इनकोरेंस है तो किस तरीके से रेड कलर आप के आप ब्रेन के फंक्शन इनहिबिट होते हैं और अगर कोहरेंस है कोहरेंस का मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई आपके घर में आता है खाना अच्छा नहीं बनता है आपको कोहेरेंस सीखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है हमारे पास गॉड बनने के लिए भगवान बनने के लिए या हमें संपूर्णता सीखने के लिए आपको कोहेरेंस जानना ही पड़ेगा ये साइंटिफिक जो रिसर्चेज हुई हैं जो रिसर्च पेपर्स हुए हैं ये रिसर्च पेपर से ही लिया है रिसर्चेज ने ये बता दिया कि आपको प्यार दो तो सीखना ही पड़ेगा कोई इसके अलावा इलाज नहीं है तो बस इतनी सी बात है कि हमें सीखना है बस और वो आपको डेली रूटीन में सीखना है 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 ओके तो ये ये भी रेट वेरिएबिलिटी का है और बहुत लेंथी कि आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है जो हमने फोर्थ या फिफ्थ एपिसोड में था कि आपका एक सूर्य नाड़ी चलती है एक चंद्रमा नाड़ी ये आपस में बैलेंस करने से सुषुम्ना आती है तो इसको भी आप प्लीज नेक्स्ट जब एपिसोड होगा तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए कि जो ये रोलिन इन मैक्रेटी है इनसे मैं मिली थी जब मैं कैलिफोर्निया गई और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में गई तो इन्होंने अब इतनी ब्यूटीफुली रिसर्च की है कि आपका दिल जब खुला होता है तो आपकी जो वाइब्रेशन है हार्ट बीट टू बीट आप देख रहे हैं इसमें तीन बीट दिखाई दी दे रही है हमारी हर एक बीट वेरी करती है आप देखिए कि इसमें आप फर्स्ट जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है फिर सेकंड और उसके बीच का देखिए आप कि जो ग्राफ बन रहा है वो बीट टू बीट वेरी करता है इसी को हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का मतलब है कि अब आप देखो कि अगर आपके एस्ट्रोली अगर आपका फिर वो ब्रीदिंग जो पैटर्न है तो वो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपका डिसाइड करता है और वो स्केच में आ जाता है वो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक सॉफ्टवेयर है इसमें सारी आपकी वाइब्रेशंस नोटिस हो जाती हैं वो थ्री मिनट का टाइम लेता है आपके हाथ पे यहाँ पे थ्री मिनट लगाना होता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और आपकी सारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को निकाल लेता है बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है अब हमने देखा कि पेशेंट के अंदर कि वो अगर कॉन्टिन्यूसली उसकी वेरिएबिलिटी अगर वो फ्लक्चुएटिंग है बैलेंसिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता लगता है कि कितना वो पुराना पेशेंट है कितनी उसकी क्रॉनिसिटी बढ़ रही है तो वंडरफुल आज के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं लेकिन अब बदलाव तो चलो हमने देख लिया लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा प्रैक्टिस तो हमें ही करनी है हमें ये सीखना तो हमें ही है. तो हमने पेशेंट को आ, करा के देखा और बदलाव भी देखे कुछ स्टूडेंट थे हमारे आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस कर रहे थे आ, वहीं पे उन स्टूडेंट्स का हमने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लिया उसके बाद हमने उनको जोर जोर से चेंट करवाया और चेंट करवा के हमने देखा कि क्या इसके बाद हार्ट रेट वेरिएबिलिटी फ्लक्चुएटिंग आती है बैलेंसिंग आती है तो उसके साथ हमने एक साइकोलॉजिकल उनका टेस्ट भी लिया चुपचाप कि भाई देखते हैं कि वो क्या आंसर देते हैं तो हमने देखा कि जो कुछ बच्चे हैं जो यंग एज में उनका सिंपेथेटिक सिस्टम बहुत हाई था बहुत हार्ड में फ्लक्चुएटिंग उनके ग्राफ मिले तो इससे हम जान तो सकते हैं लेकिन इसके साथ हमारी प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है ओके okay, तो अब हम आगे चलते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आगे चलते ये आज ही मैंने पिक्चर ली है आप लोगों को बताने के लिए बहुत फास्ट मैंने काम किया है कि आप पहली पिक्चर देख रहे होंगे ये ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है जो मैं जो आगे के स्टडी बताऊंगी दो तीन के स्टडीज हैं पर आज मैंने एक ही लिया है आप जैसे जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि शायद मैं इसको या तो बंद करूँ या मैं पहले एक बार इसको एक मिनट के लिए बताती हूँ फिर मैं बंद करूँ अब फर्स्ट सेकंड थर्ड और नीचे की फोर फाइव पिक्चर्स बस देख लीजिए उसके बाद में आपको बता ओके okay, ये खड़े होके किया है क्योंकि बारिश आ रही थी और ये हमें बैठ के करना है ठीक है और सेम इसी तरीके से यहाँ पर है कि ये जो प्रैक्टिस है ये हाथों को ऐसे क्रॉस करना है ऐसे तोड़े तो हमें जब ये प्रैक्टिस करनी है अनाहत चक्र की या हार्ड चक्र प्रैक्टिस करनी है तो हमें करना क्या है आपको ऐसे हाथ नहीं हिलाना है जैसे हमने सांस को भरा हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा जब आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके हाथ जब ऊपर जाएंगे तो सांस को भरना है ये एक रूल है जब आप कोई भी आसन करते हैं तो आपकी बॉडी से जब आप, आपके जो अंग हैं वो दूर होने लगे तो आपको सांस भरना होता है ये रूल है तो जैसे ही आप हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे तो सांस को भरेंगे और होल्ड करेंगे वन सेकेंड टू सेकेंड जैसे भी आपकी कैपेसिटी है वैसे आपको होल्ड करना ओके तो सांस को ऊपर ऐसे लिया होल्ड कर लिया और फिर सांस छोड़ते हुए ये हो गया अब इसमें जब अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो आपको जैसे ही आंखें बंद हो आपका एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका फोकस आपके नेवल के ऊपर होना चाहिए नेवल के ऊपर क्यों होना चाहिए क्योंकि नेवल के ऊपर जब आपका फोकस होगा तो जैसे आप सांस भरेंगे तो आपका पेट आगे की तरफ फूलेगा जैसे वो फूलेगा आपका नेवल के ऊपर ध्यान है और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो भी नेवल के ऊपर ध्यान होगा क्योंकि नेवल अंदर जाएगा ना भी अंदर जाएगी ना भी बाहर आएगी अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए एक बार आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अब आप क्यों क्यों ये अनाथ चक्र एक्सरसाइज है इसे आप देखो जब सांस को भरेंगे और आपके ये जो हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका हार्ट एक्सपेंड होगा लेकिन ये एक्सरसाइज जल्दी नहीं करनी बहुत स्लो करनी है कोई भी आपको प्रैक्टिस आपका आसन का मतलब होता है टू रीच एट द पॉइंट वेयर देयर इज ए पॉज आपको होल्ड करना आसन का मतलब है कि आपने ऐसे किया आराम से किया हाथ ऐसे किया और होल्ड कर लिया होल्ड करके आपका ध्यान आपकी नाभि की तरफ और छोड़ते छोड़ते आपको अपनी नाभि से पता लगेगा कि मैं सांस छोड़ते छोड़ते मेरी नाभि अंदर चली गई और ये दोनों हाथ अपनी नाभि के ऊपर आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं ओके okay. तो आपको एक इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है आपका सांस के ऊपर है लेकिन सांस के बगैर ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती आप सांस कहीं ले रहे हैं हाथ ऊपर कर रहे हैं और सांस सांस छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं आपको अपनी सांस के साथ ही ये एक्सरसाइज करनी है ओके एक तो ये एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज इतनी वंडरफुल है कि आपका जो हार्ट के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड्स हैं VLDL है ये जो हार्ट के हमारे जो टेस्ट होते हैं ये ऑटोमेटिकली अगर आप थ्री मंथ्स कॉन्टीन्यूसली करते हैं इसको टेन मिनट ट्वेल्व मिनट तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ये कुछ भी नहीं रहेगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अगर आप रेगुलर करते हैं तब अदरवाइज नहीं ऐसा नहीं कि अगर हमने बोला और आपने किया नहीं तो फॉल्ट जो है वो आपके ऊपर आएगा क्योंकि आपने उसको रेगुलर और बहुत स्लो कर, ओके? एक एक्सरसाइज है कि आप हाथों को सामने रखेंगे और सामने करके इसको ऐसे क्रॉस करेंगे जितना हो सकता है क्रॉस फिर सामने आ गया फिर एक बार फिर सामने आ गया फिर ऐसे तो ये अब ऐसे फ्लो में चला और साथ के साथ सांस थोड़ी देर में आपका थोड़ा सा और तेज भी कर सकते हैं ये है ब्रेन और हार्ट एक्सरसाइज जब आप क्रॉस करते हैं तो आपका ये जो ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर हैं, ये आपस में ब्रेन का जो फंक्शन है जो लॉजिकल और जो क्रिएटिव फंक्शन है ये एक्टिवेट होता है ये बैलेंस होता है क्यों कभी कभी हम बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं और हमारा सिंपेथेटिक सिस्टम ज्यादा चलता है तो हमारे कोहरे में जो इम्बेलेंस होता है उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज है साथ के साथ आप सांस चलाते रहे और बहुत प्यार से करते रहें बहुत ईजी एक्सरसाइज है और उसके बाद फिर आप ऐसे हाथ ऊपर कर सकते हैं और आंखें बंद करके और बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर गॉड एक पिक्चर है आज मैंने लगाया नहीं वो पिक्चर आपके पास लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं अपना हार्ट ओपन कर रहा हूं तो अब इससे क्या होगा आपको ना यहाँ पे टिंगलिंग की सेंसेशन होगी आप थोड़ी देर करके देखो एक मिनट के लिए करो आप साथ के साथ प्रैक्टिस आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगी जो ये रेकी है ना रेकी Uh, ये रेकी की, की प्रैक्टिस भी है इसको मतलब तो आप ऊपर करेंगे तो ये टिंग टिंगलिंग होगी यहाँ पे तो आपकी यहाँ से और इसके ऊपर का जो एरिया है जो आपका एस्ट्रल बॉडी है ये एस्ट्रल बॉडी है फिर आपका मेंटल बॉडी है ना मेंटल बॉडी के ऊपर आपका ब्लिस बॉडी है सुपरा मेंटल बॉडी है ये सारी बॉडीज आपकी कनेक्ट हो तो जाएंगी आपकी ऑटोमेटिकली आप करके देखो आपको ऑटोमेटिकली ये जो फ्लो है आपको फील होगा तो इसी को रेकी बोलते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी लेना है तो रेकी का मतलब हम मतलब हम जो अ एक डिफरेंट तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी रेकी में वो ये बनी कि अगर आपके चारों तरफ कॉन्शियसनेस है तो आप वहां से उस एनर्जी को खुद कैसे ले ले सकते हो तो ये साइंटिफिकली भी हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं जो पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, वो जल्दी ग्रेस्ट करती हैं। जैसे पत्ते होते हैं ना स्टोमेटाज होते हैं वो सन रेज को लेते हैं इसी तरीके से हमारे हाथों का हाथों के नाखूनों से और हाथों की ये जो ब्लैकनिंग पार्ट है इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे लंग्स के अगर ये ज्यादा ब्लैक हैं तो समझ लो हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे ना तो ये ये जो चीजें हैं और नेल्स क्या है ब्लू हो जाएंगे अगर लंग्स काम नहीं करेंगे तो ब्लूश आ जाएगा मतलब तो नॉर्मल मोटी मोटी चीजें हैं ये देखने वाली तो आपको ऐसे करके बस ऊपर हाथ करके रखना है बंद करके और बिल्कुल अपना हार्ट खोल के और आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको अपने उस मी के दायरे में सबको शामिल कर बस ये कमांड दे सकते हैं जो भी आपको कमांड आए वो भी दे सकते हैं आपकी मर्जी है जो आपको अंदर से फीलिंग आती है आप उसको नोटिस करिए अब ऐसे करते करते आपको देखो कि कैसे आपको एक फीलिंग आती है और कितना आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं तो पूरी जहान को अपने पास समेट रहा हूँ तो ये टिंगलिंग सेंसेशन फर्स्ट टू थ्री डेज होगी और उसके बाद फिर आपकी बॉडी में यहां तक ये हार्ट तक सेंसेशन जाएगी ऐसे करेंगे आपकी हार्ट तक सेंसेशन जाएगी ओके okay. और इसी के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक ऐसे दायरा बनाते हैं ऐसे ऐसे ये भी एक्सरसाइज इसी के साथ ही जुड़ी हुई है कि हम ऐसे करके और इस राउंड को करते रहे ऐसे करके राउंड को करते रहे तो ये ब्रेस्ट का एरिया भी कवर करता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने उस ममत्व को या सेल्फ लव को आ, हम भूल जाते हैं तो हमारी जो ये ब्रेस्ट वाला एरिया है या ये शोल्डर वाला एरिया है ये हैवी होने लगता है तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है अभी एक पेशेंट है वो यही एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि देखा कि उसका और जो है बिल्कुल ब्लैक है और उसको फिर ये कहा कि भाई आपके शोल्डर्स में नेक में और इस चेस्ट एरिया में आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है तो आप ये एक्सरसाइज सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए ध्यान आपका आंखें बंद होने के बाद नाभि पे ही होगा क्योंकि नाभि भी एक्सपेंड करेगी ना भी अंदर जाएगी एक्सपेंड करेगी अंदर जाएगी वैक्टिस हैं ये आपकी इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है एक मिनट में आपको बारह से पंद्रह सांस आते हैं तो अगर आप दस मिनट करते हो तो आप देखो आपके 120 सांस भी 120 सांस क्या है आपकी जो हेल्थ को अगर अच्छा कर दे तो 120 सांस बताओ क्या है ये एक्सरसाइज आपको करनी है ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने प्रैक्टिकली यूज की हैं मैं वही बात आपको रही हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली मैं पेशेंट्स के साथ करती हूँ अब एक इसे आगे चलते हैं ये एक्सरसाइज मैंने बता दी है आपको तो ये एक पेपर मेरा पब्लिश हुआ हीलिंग थ्रू इंटीग्रेटिव थेरापेटिक्स और शायद मैंने नीता मैम आपको शायद भेजा या नहीं भेजा ये नहीं मुझे पता तो ये केस स्टडी है पोस्ट कोविड नाइनटीन पेशेंट के तो ये पेपर पब्लिश हुआ आप देख सकते हैं दो मेरे स्टूडेंट हैं जूनियर जो मेरे साथ काम करते हैं तो ये मेरे पास आया तो आप देख रहे हैं जो सिम्टम्स हैं हम फर्स्ट विजिट में इसके जो है ना चेस्ट पेन और बर्निंग सेंसेशन थी मीठा खाते ही इसको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन बढ़ रही थी और इसको कॉन्स्टिपेशन थी पैरों में दर्द था और जैसे नीचे बताया कि डेरी और जो शुगर का है अब है तो ये फिजिकली सारा देखो सिम्टम्स हमने लिख दिया अब लास्ट में निकला क्या कंक्लूजन अब उसको मैं बताना चाहती हूँ, हमने उसमें लिखा है ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं जाकर तो क्या हुआ कि फर्स्ट में हमें ये नहीं समझ आया कि आखिर ये क्यों है इसको यहां पे चेस्ट में पेन कितना सीवियर चेस्ट और सारे टेस्ट करा चुका था हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं उसके थोड़ा सा उसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बड़े हुए थे कोलेस्ट्रोल थोड़ा सा था लेकिन बाद में रिपोर्ट दिखेगी आपको तो लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि इसके हार्ट में आखिर ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है इसके और तो बाद में हमें थर्ड काउंसलिंग के जरिए पता लगा कि इसका और इसके बच्चे का जो संबंध है उसमें कहीं गड़बड़ है तो अब मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ टंग की पिक्चर दिखाती हूँ पहले आप देखिए ये मेरे पास अ बाईस का है ये दो हजार बाईस में चौबीस आठ को मेरे पास आया था तो टंग के ऊपर आप देखिए आप टंग का एक पिक्चर फर्स्ट जस्ट सिर्फ एक फर्स्ट फोटो देखिए बस और कुछ नहीं फोटो फर्स्ट देखिए ठीक है तो ये एक पिक्चर है देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेलिकेट हार्ट ये पिक्चर है टंग की जो अगर यहाँ पे तो ये जो दिखा रहा है कि इसका जो रिलेशनशिप है हमने टंग की पिक्चर ली टंग की पिक्चर लेने के बाद हमारी थोड़ा सा क्योंकि बड़ा सीरियस टाइप का ये पेशेंट था तो हमारी पूछने की भी मैं अभिषेक को मैंने कहा कि अभिषेक एक बार तुम अलग से जाके काउंसलिंग करो आखिर घर में मुद्दा क्या है तो अभिषेक ने पूछा तो उसने नहीं बताया फिर हमने थर्ड काउंसलिंग के जरिए हमें ये पता लगा कि इसका इसका बच्चा बाहर जाना चाहता था तो बाहर जा और ये एक ही बच्चा है तो ये बाहर भेजना नहीं चाहते थे पूरी फैमिली और इसके ऊपर इनका कुछ महीनों से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जब कोविड आया कोविड के बाद इसको ये चेस्ट पेन शुरू हुआ तो अब कॉन्फ्लिक्ट हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ कि ये अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहता और बच्चा बाहर जाना चाहता है तो इसने जब बताया तो हमें ये बात समझ आ चुकी थी कि इसको जो चेस्ट पेन है उसमें कोई हार्ट की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है सिर्फ ये अपने अंदर उस हार्ट को श्रिंक करके बैठा है कि भाई मुझे जो है बात ही नहीं करनी मुझे अपने बच्चे से अब मैं एक भी लफ्ज अपने बच्चे से सुनना नहीं चाहता और मेरे को यही रखना है मुझे उसको बाहर नहीं भेजना तो इस तरह की जब बात हुई तो उसको हम धीरे 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 अब हमें क्योंकि एक तरीके से सत्व अः में था पर्सन बहुत मिच्योर था समझदार था तो हमने इसको बताने की कोशिश की कि देखो बच्चे का अपना एक छोटी सी दुनिया है अः हवाई जहाज में बैठो चले जाएंगे हवाई जहाज में बैठो आ जाएंगे आपसे बच्चा दूर जा कहाँ रहा है धीरे धीरे काउंसलिंग की तो इसको ये बात समझ आने लगी कि मैंने कहा तुम एक ही जगह अगर एक गांव में तुम रहना चाहते हो गांव से बाहर नहीं निकलना चाहते तो ठीक है तुम्हारी चॉइस है वो लेकिन एक बार बच्चे को आप लेकर आओ तो ये फोर्थ फिफ्थ तो उसमें बच्चे को लेकर आया बच्चे का और इनका हमने लगभग एक घंटा दो घंटे तीन घंटे ऐसे बहुत वर्क किया और साथ में इसको एक्सरसाइज बताई ये वाली एक्सरसाइज बताई और एक फ्रेग्रेंस वाली एक्सरसाइज बताई इसने कहा कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगा मेरे को कोई और बताना है तो बता दो तो तो कहता मैं ये ये बोर हो जाता हूं, मेरे को ना इसने ऐसे कहा तो कुछ मेडिकेशन इसका चल रहा था चेस्ट से रिलेटेड हमने इसको कुछ नहीं दिया जस्ट इसके चेस्ट को क्लीन करने के लिए हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रसायन के तौर पे देते हैं तो हमने उसको कुछ ऐसी औषधियां दी और साथ में उसको कहा कि आप अपने बच्चे के साथ उसके बच्चे की बात सुनो अच्छी उसकी बातें सुनो बच्चा जो भी कहे लड़ना है लडो लेकिन एक बार एक्सप्रेस करो आप दोनों तो यही बात होने लगी धीरे-धीरे अब आप देखो कि सेकेंड उसमें जब ये उन्नीस दस को आया तो इसकी टंग में वो हीलिंग हो चुकी थी उसके हार्ट के एरिया में कि वो अपने बेटे से बात करने लगा था तो बात करते करते उसके बात करने से उसकी टंग पूरी तरीके से हील हो गई आप नीचे जो फिफ्थ फोटो देखेंगे तो पूरी हील हो चुकी थी तो क्या है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उस मी के एरिया में उसको अब वो अपने बच्चे को भी मी के एरिया में नहीं रख रखा था उसने मी एंड नॉट मी का जो है डिस्टिंक्शन था दोनों में उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि उसका जो चेस्ट पेन था तो आप देखो अब दोबारा से अगर हम जाते हैं तो उसका जो चेस्ट पेन है वो धीरे धीरे उसका कम होने लगा और नाइन्थ विजिट तक पांच छह महीने शायद लगे इसको पेशेंट के साथ काउंसलिंग करने में और ये उसका चेस्ट पेन चला गया जस्ट एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ बच्चे के साथ बच्चे के साथ एग्रीमेंट हो गया कि बेटा तू पढ़ के वापिस आ जाएगा हमने यहाँ तक वो एग्रीमेंट ले लिया उससे कि बच्चे को बाहर भेजो और आप हमारे पास रेगुलर आते रहो बच्चे को दुनिया देखने दो तो अब वही है कि जैसे अगर हम शायद खलील जिब्रान को नहीं पढ़ते तो शायद हमें समझ नहीं आते कि बच्चे तो हमारे थ्रू आते हैं उसको समझाया हमने बच्चे हमारे थ्रू आते हैं हमारे बच्चे नहीं है वो तो ये ये बुक्स का कमाल है देखो तो उसको वो सतोगुनी था अगर वो तमोगुनी होता तो शायद नहीं समझ आती उसको लेकिन सतोगुण उसके अंदर ज़्यादा था रजुगुन भी था तो उसको ये बात समझ आई कि यस मुझे अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए तो अब उसने बाद में ये बात भी रिवील की कि जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें कहते हैं अरे बाहर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा बिगड़ जाएगा ऐसा हो जाएगा बहुत सारी जो सोसाइटी है वो भी इस तरह की कॉम्प्लीकेशन क्रिएट करती है खैर anyway, अब वो ठीक हो गया लेकिन उसका मीठा जो है वो खा रहा था धीरे धीरे कम तो हो गया लेकिन हम इस बात पे नहीं समझ पाए कि उसको मीठा खाने से जो है उसको लिटिल बिट जैसे बेचैनी शुरू हो जाती है मीठा खाने से ने कहा कि भई तुम मीठा वैसे भी कम खाओ आ, हो सकता है कोई आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हो तो इस तरीके से हमने इसको आ, देखा तो आप अब तो हमने आ, अब उसको अरोमा थेरेपी दी अरोमा थेरेपी अब ये अगर आप लाइन पढ़ें कि मॉर्फिक फील्ड्स आर द मैट्रिक्स बिहाइंड अवर हेल्थ मॉर्फिक फील्ड्स क्या होते हैं कि मॉर्फिक फील्ड वही वाइटल बॉडी की बात आ गई कि आपके जो वाइटल बॉडी के अंदर जो मैट्रिक्स बनता है जो ब्लूप्रिंट बनता है अगर हम उसको इनहेलेशन से फ्रेगरेंस से अगर हम उससे कुछ मैट्रिक्स को बदल देते हैं उस ब्लू प्रिंट को बदल देते हैं या उन पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली दिखने लगती है कि हाँ ये ठीक हो गए तो इस तरीके से ये पेशेंट हमारा ठीक हो गया और आप ट्राइग्लिसराइड को ही फोकस मैंने हमने किया ट्राइग्लिसराइड को क्यों फोकस किया शायद हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो थोड़ा स्टर्बन होते हैं जिद्दी होते हैं उनका थोड़ा रेज हो जाता है तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचा उसके बाद ये टू जीरो फोर पे फिर पहुंच गया उसके बाद ये सेवेंटी एट पहुंचा उसके बाद एटी सिक्स एंड हम हमें भी तसल्ली हुई कि भाई ये पेशेंट भी ठीक है बच्चा भी ठीक है और बहुत अच्छा जो है इनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया तो इस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हम और मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं वन टू वन करूँगी क्योंकि ग्रुप में भी अच्छा हो सकता है लेकिन अभी ये एक रिसर्च चल रही है मेरे अंदर से कि मुझे कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं जो हम ब्रीदिंग थेरेपिटिक्स करते हैं ब्रीदिंग साइकिल्स का पैटर्न हमारे सेट होते हैं आ, उनको समझने के लिए हमें खुद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस चाहिए और साथ में बस हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मेरी फिजिकल बॉडी पे वो चीज़ आ रही है जो मेरे चारों तरफ मेरी एस्ट्रल बॉडी मुझे बता रही है और एस्ट्रल बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमारी कॉजल बॉडी से होता है हमारी डायरेक्ट कॉज़ल बॉडी क्योंकि कॉज़ल बॉडी हमारे पोर्टल खोलती है कॉज़ल बॉडी के अंदर ही हमारे प्रारब्ध छुपे हुए हैं तो अब प्रारब्ध तो ठीक है छुपे हुए हैं ठीक है अब प्रारब्ध छुपे हुए हैं ओके हमने कुछ ऐसा किया है जो प्रारब्ध लेकर आए लेकिन अभी अगर हमें अवेयरनेस खो देंगे तो वो प्लस और हो जाएंगे तो हमारे पास वो प्रारब्ध आएंगे सिखाने के लिए आते हैं और फिर हम अगर उस अवेयरनेस में हैं तो चले जाते वो ऑटोमेटिकली चले जाते जो तकलीफ आती है वो धीरे धीरे अगर हम अवेयरनेस में हमें, हमें जो करेक्शन करनी है फिर वही एग्जाम्पल आएगा कि मान लो कोई आते बड़ा आसान से एग्जाम्पल है इसलिए मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ कोई आ गया हमें नाक चढ़ गई कहाँ से प्रारंभ खत्म हो गया बतो नहीं होंगे नहीं हो सकते मेडिटेट कर लो आप पिरामिड भी लगा लो सिर के ऊपर बड़े पिरामिड में बैठ जाओ नहीं होगा कुछ मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ होगा जब जब हम मेडिटेट करेंगे जब हम रियल में मेडिटेशन के बाद जो हम अपनी बॉडीज को समझने लगे हैं फाइव बॉडीज को समझने लगे हैं उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएंगे तब होगा तब बदलाव होगा अदरवाइज नहीं हो सकता है ना तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच